So he will be telling you how he is thinking about it. सर वो उस पर भी इफेक्ट आ रहा होगा फिशेस कल्चर में? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या क्या इफेक्ट? क्योंकि पानी कम हो गया ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे पहाड़ में पानी बहुत कम हो गया है, ये पानी पहले था फ्लो भी कम हो गया, फ्लो भी कम हो गया है, और क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो डिजीजेस की भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, नॉट ओनली ह्यूमन और एनिमल डिजीज, वी नेवर नो फिश में क्या होगा, क्योंकि अभी इतना इंटेंसिव कल्चर है नहीं कोल्ड वाटर सेक्टर में, जब होगा तो समस्याएं भी आएंगी। तो यहाँ जो फिशेज है जैसे महाशीर, ये है, ये हमारे कैसे हिल स्ट्रीम फिशेज में आएंगे? जी जी आएंगे ना। तो इनका मेन एडॉप्टेशन क्या, बॉडी में ऐसा चेंजेस है जो अडॉप्ट, एडहेसिव कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे हिल स्ट्रीम फिशेज में, ये है कि कोई मॉडिफिकेशन से जो कहीं रॉक पे स्टिक कर सके या अडहेसिव? वो अलग फिश होती है, वो अलग होती है, वो टोटली अलग। तो ये महाशीर उसमें आ रही है, महाशीर अलग है, बोले हिल स्ट्रीम में एग्जांपल में आएगी? नहीं हाँ हिल स्ट्रीम में आएगी, बाकी आई इसके बारे में आपको ज्यादा बढ़िया डॉक्टर हल्दर रंजन पांडे बता पाएंगे, मैं क्योंकि मछली वाला साइंटिस्ट हूँ, आई एम बेसिकली आई एम बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा ओके, इसलिए जो है मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड देन पीएचडी इन वायरोलॉजी, सो आई एम टोटली फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड। इनफैक्ट आई लर्न अबाउट फिशेज एंड आई केम दिस टू दिस इंस्टीट्यूट, पहले तो मैं जानवरों में काम करता था, लार्ज एनिमल्स कहते हैं। वही तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, कि आप अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ लो।